दोस्तों, अपने टेरिस पर अगर व्हाइट मिर्ची की प्लांट ग्रो करना चाहते हैं, यानी उगाना चाहते हैं, और उससे ज़्यादा मिर्ची लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ये बाहर की मिर्ची है। इसमें आपको मिट्टी में कुछ ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह देना पड़ेगा। वो कौन सा फर्टिलाइजर और क्या फर्टिलाइजर है? दोस्तों नमस्कार, मैं पिंटू, आप देख रहे हैं डीपी गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे चैनल पर अगर पहले बार आए, यानी मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई गार्डन रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों देखिए, ये हमारा व्हाइट मिर्ची का प्लांट है। दोस्तों इस मिर्ची को जब हम 2 इंच के ग्रो बैग में हम इसको उगाए, मतलब लगाए, तो इसमें हमने मिट्टी कैसे तैयार किया आपसे बता दें, 50% गार्डन सॉयल और 50% गोबर का खाद, उसकी जगह पर आप बाहरी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। दोस्तों तो इससे क्या होता है कि बाहर की मिर्ची अपना ये मौसम में ये अच्छा मिर्ची अगर पाना है तो इसकी फर्टिलाइजर कुछ ज़्यादा देने पड़ेगा। उस मिट्टी में आप ऑर्गेनिक जो पोटाश आता है वो मिला दीजिएगा। जब इस मिर्ची को प्लांट आप ग्रो बैग में गमला में लगा रहे हैं उसी समय आपको मिलाना है। दोस्तों देखिए, ये जो व्हाइट मिर्ची होता है ये व्हाइट रहता है, लेकिन ये पकने पर पीला होता है, लाल नहीं होता। बाकी हरा मिर्ची पकने पर लाल होता है, लेकिन ये जब पकता है तो पीला होता है। कुछ देखिए, हमारा छोटा सा ग्रो बैग में लगा कितना बड़ा मिर्ची का प्लांट है, और इसमें देखिए कितना सारा मिर्ची आए हुए हैं। और पहले भी आया था हमने, तो एक बार हार्वेस्टिंग इसमें से